मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा था कि कमलनाथ के पास बंगला है, कार है, हेलीकॉप्टर है और धन दौलत का भरपूर भंडार है, इसलिए वो नेता है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। लेकिन लोकतंत्र में राजा वही होता है जिसके साथ जनता हो। शिवराज के इस बयान को लेकर कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा कि मेरे पास कहां दौलत का भंडार है, शिवराज झूठ बोल रहे हैं, उनका बिना झूठ बोले खाना नहीं पचता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच वार पलटवार का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिवराज ने कमलनाथ को लेकर कहा था, इनके पास गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है और धन दौलत का भरपूर भंडार है, तभी ये नेता है और इसलिए ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। लेकिन हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। लोकतंत्र में नेता का पैमाना धन दौलत से नहीं, जनमत से नापा जाता है। शिवराज के इसी बयान को लेकर कमलनाथ ने उन पर पलटवार किया और कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, जब तक झूठ ना बोलें तब तक उनका खाना नहीं पचता है। नाथ ने कहा, मैं किसी उद्योग या कंपनी का मालिक नहीं हूँ और ना ही मेरे पास धन दौलत का भरपूर भंडार है। ये बयानबाजी सिर्फ जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। मित्रों, उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, क्या वो बता सकते हैं कोई कंपनी, कोई उद्योग से क्या मेरा कोई संबंध है? मैं किसी उद्योग का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, पर शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। अब उनको कुछ नहीं सूझा तो कहते हैं वो उद्योगपति है। मुझे बता दें, आप उनसे पूछिएगा कौन से उद्योग, कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दे। आपको वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।